पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विनर मुनावर फारूकी ने अपने इलाके डोंगरी में अपनी सफलता का जश्न मनाया, जहां उनके हजारों फैंस उनके इस खुशी में शामिल हुए, तो वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए ये एक बेहद ही शानदार पल था। इसके अलावा घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बेटे मिकिल के साथ इस खुशी को शेयर किया। सामने आए एक वीडियो में मुनावर अपने लाडले के साथ केक काटते हुए भी दिखाई पड़े। मुनावर फारूकी ने अभिषेक कुमार को हराकर बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम की। 30 जनवरी 2024 को एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन के बेटे मिकल के साथ अपनी जीत और जन्मदिन का जश्न मनाते हुए उन्हें देखा गया। वीडियो में फारूकी को अपने बेटे मिकल के साथ केक काटते हुए देखा जा सकता है। जानकारी दे दे कि केक का पहला टुकड़ा अपने बेटे को वो खिलाते दिखाई पड़े। वीडियो में मिकल अपने पिता मुनावर की कार्बन कॉपी लग रहे हैं। केक काटते समय वो बेहद ही खुश दिखे। इसके अलावा मुनावर ने अपने इंस्टा स्टोरी पर बेटे की एक क्यूट फोटो को साझा किया। इसमें मिकल बिग बॉस 17 की ट्रॉफी के साथ बेहद ही खुश दिखाई पड़े। कहीं ना कहीं इंडिया टुडे के साथ बातचीत में मुनावर ने इस जीत के साथ इतिहास दोहराने के बारे में बात की। उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद किया और कहा, ये मेरे लिए एक अद्भुत क्षण से भी अधिक था। बेशक मैंने जीतने के इरादे से शो में एंट्री की थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारा सामान था और अब जब मैं मेरी जर्नी पर विचार करता हूँ तो ये ट्रॉफी काफ़ी भारी लगती है। सौभाग्य से मेरे कंधे मजबूत थे और इसलिए मैंने वजन उठा सका और ट्रॉफी को अपने घर भी मैं लेकर आया। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।